for any oxidizing agent or reducing agent. किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए या रिड्यूसिंग एजेंट के लिए वी यूज टू कंसेप्चुलाइज चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट. हियर सी डिनोट्स चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट. सी डिनोट्स चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट. देयर इक्विवेलेंट वेट इज डिफाइंड एज मॉलिक्युलर वेट upon change in oxidation state. Jaise tin. Tin is a oxidizing agent. Tin ek oxidizing agent hai because during reaction tin get you can say tin is a reducing agent because during the reaction tin get oxidized like this. Tin reaction mein SnCl2 bhi deti hai aur tin reaction mein SnCl4 bhi deti hai. There are two types of reaction or two reaction of the tin. टिन इधर ऑक्सीडाइज हो रहा है जीरो से प्लस टू. इधर भी टिन ऑक्सीडाइज हो रहा है जीरो से प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट. सिंस टिन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज हिंस इन बोथ दिस रिएक्शन टिन वुड बिहेव एज रिड्यूसिंग एजेंट. दिस टिन इज अ रिड्यूसिंग एजेंट. यह रिड्यूसिंग एजेंट है और इस रिड्यूसिंग एजेंट के लिए इधर चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट टू है क्योंकि जीरो से टू और इधर भी टिन ऑक्सीडाइज हो रहा है इसलिए इस जगह पर भी टिन रिड्यूसिंग एजेंट है मगर इस जगह पर चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट फोर है जीरो से प्लस फोर. ऑब्जर्व दिस. हम कहते हैं इन दिस रिएक्शन इक्विवेलेंट वेट ऑफ टिन वुड बी डिफाइंड एज मॉलिक्युलर वेट अपॉन टू व्हाइल इन दिस रिएक्शन इक्विवेलेंट वेट इज डिफाइंड एज मॉलिक्युलर वेट अपॉन फोर. मॉलिक्युलर वेट दोनों ही रिएक्शन में टिन का सेम है मगर इन दोनों रिएक्शन में टिन का इक्विवेलेंट वेट अलग अलग है. टिन जो कि दोनों ही रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है इन दोनों रिएक्शन में टिन का चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग है इसलिए इक्विवेलेंट वेट अलग अलग. मैं एक और एग्जांपल डिस्कस कराता हूं. KMnO4 KMnO4 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. हम अच्छी तरह से जानते हैं KMnO4 एसिडिक मीडियम में Mn 2 प्लस देता है. एसिडिक मीडियम यदि होगा तो KMnO4 हमेशा Mn 2 प्लस देगा इन द फॉर्म ऑफ MnSO4 और MnCl2. जबकि यदि न्यूट्रल या माइल्ड अल्कलाइन मीडियम होएगा इफ वी हैव गॉट अ न्यूट्रल और माइल्ड अल्कलाइन मीडियम तो वहां पर मिलता है MnO2 जिसमें Mn प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्थित पर. और यदि वहां पर स्ट्रांग अल्कलाइन मीडियम होएगा इफ यू हैव गॉट स्ट्रांग अल्कलाइन मीडियम तो वहां पर मिलता है K2
MnO4 जिसमें Mn है प्लस 6 ऑक्सीडेशन स्टेट. ऑब्जर्व द थ्री डिफरेंट रिएक्शंस ऑफ KmnO4 इन थ्री डिफरेंट कंडीशन. KmnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 7 है. तीनों ही जगह पर KmnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 7 है. एसिडिक मीडियम में KmnO4 में Mn का चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हमें 5 दिख रहा है, प्लस 7 से प्लस 2. और इक्विवेलेंट वेट 158/5. 158 इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KmnO4. चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हमें 5 दिख ही रहा है. वाइल इन न्यूट्रल और माइल्ड अल्कलाइन KmnO4, जो न्यूट्रल और माइल्ड अल्कलाइन KmnO4 है, इधर Mn प्लस 7 से प्लस 4 पर जा रहा है. चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इस सिचुएशन में हमें 3 दिख रही है. इस केस में हम KmnO4 का इक्विवेलेंट वेट कहेंगे 158/3. चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट बदल गया और वहां पर इक्विवेलेंट वेट बदल गया. व्हाइल इन दिस सिचुएशन चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज 1, प्लस 7 से प्लस 6, इक्विवेलेंट वेट इन दिस सिचुएशन वुड बी 158/1. ऑब्जर्व द थ्री डिफरेंट वैल्यूज ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ KmnO4 इन कंडीशन. वंस अगेन आई वुड कंक्लूड दैट मॉलिक्यूलर वेट रिमेन्स सेम. देयर इज नो चेंज इन मॉलिक्यूलर वेट, बट इक्विवेलेंट वेट में डिफर. इट डिफर अकॉर्डिंग टू कंडीशन, डिफर अकॉर्डिंग टू चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट. And here C denotes the change in oxidation state. Molecular weight upon change in oxidation state. This concept would be applied for any oxidizing or reducing agent. You used to say, जो भी एजेंट है उसमें अलग अलग रिएक्शन में चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट आप अलग अलग देखेंगे. ध्यान से देखें कि क्या चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है और उसी हिसाब से आप इक्विवेलेंट वेट. चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट का कंसेप्ट तब अप्लाई होता है जब ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट में सिर्फ एक ही एटम का रेडॉक्स चेंज हो रहा. इफ वी हैव गॉट टू और मोर देन टू एटम्स अंडरगोइंग रेडॉक्स चेंज, इन दैट केस वी अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ एन, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर. मैं समझाता हूं, पहले रिएक्शन लिखता हूं. फॉर एग्जाम्पल, ऑब्जर्व दिस रिएक्शन K2Cr2O7 in acidic medium giving you Cr. K2Cr2O7 भी एक oxidizing agent है और यह oxidizing agent इसलिए है because it reduces, ये स्वयं reduce होता है. और देखिए इस जगह पर chromium reduce होता हुआ दिख रहा है. K2Cr2O7 में chromium plus 6 oxidation state पर है. K2Cr2O7 में क्रोमियम प्लस 6 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है और रिड्यूस होकर Cr प्लस 3 पर जा रहा है. तो क्रोमियम के लिए हम चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट तो 3 कहेंगे. क्रोमियम के लिए हम चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट तो 3 कहेंगे क्योंकि प्लस 6 से प्लस 3 हो रही है चेंज. मगर K2Cr2O7 में दो क्रोमियम है, K2Cr2O7 में दो क्रोमियम है, दोनों क्रोमियम मिलकर 6 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे क्योंकि एक क्रोमियम 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा. दोनों क्रोमियम मिलकर 6 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे. हम कहेंगे इन दिस केस N इज इक्वल टू 6, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इज इक्वल टू 6. इन दिस केस वी विल से
equivalent weight is molecular weight upon 6. We used to say equivalent weight is molecular weight upon number of electron transfer. Molecular weight upon number of electron transfer. This is n, the number of electron transfer. ये तब लगाया जाएगा हमेशा जब ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट में दो या दो से अधिक एटम्स का रेडॉक्स चेंज हो रहा है, जैसे कि K2Cr2O7 में दो क्रोमियम रिड्यूस हो रहे हैं, एक क्रोमियम का चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है और दोनों क्रोमियम का मिलाकर वहां पर 6 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे. This is the concept of number of electron transferred, and the last concept is the concept of valency. For any element, यदि हम किसी भी element की बात करें, equivalent weight is defined as molecular weight upon its valency factor. V is the valency factor of the element. जैसे सोडियम की यदि बात की जाए तो सोडियम के लिए valency factor 1 है, इसके लिए equivalent weight होएगा 23/1. और फिक्स, सोडियम की valency 1 है, फिक्स हमेशा. जबकि मैग्नीशियम की यदि हम बात करें तो मैग्नीशियम के लिए वैलेंसी फैक्टर हमेशा 2 है और इसका इक्विवेलेंट वेट होगा 24/2, फिक्स. यदि आप एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम के लिए वैलेंसी फैक्टर हमेशा 3 है और इसका इक्विवेलेंट वेट होगा 27/3. वहीं पर यदि बात की जाए सल्फर की, सल्फर के लिए वैलेंसी फिक्स नहीं है. यदि सल्फर H2S में है, सल्फर इन H2S, H2S में जो सल्फर है उसकी वैलेंसी 2 है क्योंकि 2 H पार्टी के साथ में कंबाइंड है. इस केस में सल्फर का इक्विवेलेंट वेट होएगा 32/2. जबकि यही सल्फर यदि SO2 में है, इन SO2, तो SO2 में एक ऑक्सीजन दो वैलेंसी को करस्पॉन्ड करता है, दो ऑक्सीजन इट वुड करस्पॉन्ड फॉर वैलेंसी इक्वल टू 4. तो इस केस में हम कहेंगे वैलेंसी फैक्टर इज 4, इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा 32/4. और इसी सल्फर को यदि हम SO3 में देखें, इन SO3 इसकी वैलेंसी फैक्टर 6 कहा जाएगा क्योंकि एक एक ऑक्सीजन इट करस्पॉन्ड टू वैलेंसी फैक्टर ऑफ 6, वैलेंसी फैक्टर ऑफ 2, 3 ऑक्सीजन वुड करस्पॉन्ड फॉर वैलेंसी फैक्टर ऑफ 6. तो इस केस में इक्विवेलेंट वेट कहा जाएगा 32/6. उसी सल्फर का H2S में इक्विवेलेंट वेट कुछ और है, SO2 में इक्विवेलेंट वेट कुछ और है और SO3 में इक्विवेलेंट वेट कुछ और. इक्विवेलेंट वेट फॉर एनी एलिमेंट इज डिफाइंड एज मॉलिक्युलर वेट अपॉन वैलेंस. इन दिस मैनर वी यूज टू डिफाइन इक्विवेलेंट वेट. सबसे पहले इक्विवेलेंट वेट के यहां पांचों कंसेप्ट लिख लीजिए. वी यूज टू से अलग अलग प्रॉब्लम में, अलग अलग कंडीशन में हम देखते हैं कि हमें इक्विवेलेंट वेट किसका लिखना. यदि हमें
किसी एसिड का इक्विवेलेंट वेट लिखना है तो हम कहेंगे मॉलिक्यूलर वेट अपॉन बेस एसिडिटी। यदि हमें किसी बेस का इक्विवेलेंट वेट लिखना है तो हम कहेंगे मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एसिडिटी। और यदि हमें किसी एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट लिखना है तो हम लिखेंगे मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी। और यदि हमें किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट का इक्विवेलेंट वेट लिखना है तो हम कहेंगे मॉलिक्यूलर वेट अपॉन चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, या फिर हम कहेंगे मॉलिक्यूलर वेट अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। यदि सिर्फ एक ही एटम है जिसका रॉक्स चेंज हो रहा है तो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, बिल्कुल साधारणता का। और यदि दो या दो से ज्यादा एटम का रॉक्स चेंज हो रहा है तो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। और उसे कैसे देखना है यह बात मैंने अभी आर्टिकल में समझाई है। अब एग्जैक्टली यहीं से आगे कंटिन्यू करूंगा, तीन चार मिनट का ब्रेक देता हूं। हमने इक्विवेलेंट वेट डिटरमाइन करने का तरीका सीख लिया है एंड वी हैड एक्सप्रेस्ड इक्विवेलेंट वेट इन दिस मैनर। इक्विवेलेंट वेट इज मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एबीसी एनवी। जैसा मैंने बताया वी हैव गॉट फाइव डिफरेंट कंसेप्ट टू डिटरमाइन इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनी कंपाउंड ऑफ एनी एलिमेंट। और ऐसा नहीं है कि हम कोई सा भी कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एनी कंपाउंड फॉर एनी स्पेसिफिक रिएक्शन वी हैव गॉट अ स्पेसिफिक कंसेप्ट। एसिड है तो बेसिसिटी का कंसेप्ट, बेस है तो एसिडिटी का कंसेप्ट, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट है तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का कंसेप्ट, और कोई एलिमेंट है तो उसकी वैलेंसी का कंसेप्ट। We may rearrange it in this manner. Molecular weight is equal to equivalent weight into A, B, C, N, V. हम एक बात ध्यान से देखें, molecular weight हमेशा ज्यादा होगा और इक्विवेलेंट वेट हमेशा कम होगा। मॉलिक्यूलर वेट में कुछ इंटीग्रल फैक्टर या तो 1, 2 या 3 इस तरह का इंटीग्रल फैक्टर डिवाइड करा जाएगा तब इक्विवेलेंट वेट आएगा। इक्विवेलेंट वेट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट हमेशा। अब जैसे हम नंबर ऑफ मोल्स डिफाइन करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे डिफाइन करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स is defined as weight in grams upon molecular weight. और weight in milligrams हो तो weight in milligrams upon molecular weight is defined as number of millimoles. बिल्कुल इसी तरह से हम जैसे नंबर ऑफ मोल्स डिफाइन करा है इसी तरह से हम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिफाइन कर सकते हैं। एंड नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वी डिफाइन इट लाइक दिस, इट्स वेट इन ग्राम्स, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज वेट इन ग्राम्स अपॉन इक्विवेलेंट वेट। This is number of equivalent. Number of equivalent. और weight यदि milligrams में हो जाए, weight in milligrams upon equivalent weight is defined as number of milli equivalent. अब We may relate number of moles and number of equivalent. हम number of moles और number of equivalent को relate कर सकते हैं। In order to relate them, we divide number of moles by number of equivalent. Number of moles को हम number of equivalent से divide करते हैं। Weight in grams cancelled और इधर हो जाएगा E by M, M नीचे M,
number of moles upon number of equilibrium. But what is E by M? E by M is 1 upon A, B, C, and V. This is 1 upon A, B, C, and V. And hence, I may rewrite number of equivalent is equal to number of moles upon A, B, C, and V. Number of equivalent is equal to number of moles upon A, B, C, and V. नहीं नहीं उल्टा लिखा हूं, number of moles is equal to number of moles is equal to number of equivalent upon A, B, C, and V. Or I may rewrite number of equivalent into A, B, C, and V is number of moles into A, B, C, and V is number of equivalent. One can always write this expression. Or number of millimoles number of milliequivalent upon A, B, C, and V is number of millimoles. A, B, C, and V ko cross multiply karke main likh dunga. Number of millimoles into A, B, C, and V is number of milliequivalent. One can always write all these expressions. Ab, jis tarah se humne molarity define kara tha. Molarity, a method of concentration, हम उसी तरह से इधर define करेंगे normality. Definition को देखिएगा. Molarity we had defined as number of moles upon volume in liters. Molarity is number of moles upon volume in liters. या फिर हमने molarity ऐसे भी define करा है, number of millimoles upon volume in ml. Molarity is also defined as number of millimoles upon volume in ml. हम इसी तरह से अब डिफाइन करेंगे नॉर्मैलिटी. नॉर्मैलिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स. नॉर्मैलिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स. और नॉर्मैलिटी इज डिफाइंड एज number of milliequivalent upon volume in ml. Number of milliequivalent upon volume in ml.
दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मोलारिटी एंड नॉर्मैलिटी. वी कैन रिलेट मोलारिटी एंड नॉर्मैलिटी. हम मोलारिटी और नॉर्मैलिटी को रिलेट कर सकते हैं. मोलारिटी को नॉर्मैलिटी से डिवाइड कर देते हैं. वॉल्यूम इन लीटर्स कैंसिल हो जाएगा. ऊपर दिखेगा नंबर ऑफ मोल्स और नीचे दिखेगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट. और नंबर ऑफ मोल्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हम पहले ही लिख चुके हैं. इट्स 1 upon A, B, C, N, V. हमें मोलारिटी और नॉर्मैलिटी में एक रिलेशनशिप दिखने लगा है. दे आर द टू मेथड्स फॉर एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन एंड ऑब्जर्व दैट molarity is equal to normality upon A, B, C, N, V. Or molarity into A, B, C, NV is normality. यह सारे expressions, इतने सारे expressions लिखने के बाद बेहद confusion होता है, खिचड़ी बन जाती है कि कब ABC NV multiply करना, कब divide करना. ध्यान रखें, मोलारिटी से हमेशा नॉर्मैलिटी बड़ी होती है. मोलारिटी इनटू सम फैक्टर इज नॉर्मैलिटी. इक्विवेलेंट वेट हमेशा मॉलिक्युलर वेट से सबकी कम होएगा. मॉलिक्युलर वेट अपॉन एबीसी एनवी. अब हम वह खास तीन एक्सप्रेशन लिख देते हैं जिन्हें हमें दिमाग में बैठा के रखना है. सिर्फ तीन एक्सप्रेशन. एक तो यह, इसे मेमोराइज करके रखना. दिस इज अ डिराइव्ड एक्सप्रेशन. दूसरा यह वाला एक्सप्रेशन. दिस इज अ डिराइव्ड एक्सप्रेशन. और तीसरा यह एक्सप्रेशन. अब मैं सिर्फ तीन एक्सप्रेशन ही बोर्ड पर लेके रख रहा हूं. इन तीनों को हम मेमोराइज करने की कोशिश करेंगे हमेशा. इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मॉलिक्युलर वेट अपॉन एबीसी एनवी. Number of moles equal to number of equivalent upon ABCNV. And molarity equal to normality upon ABCNV. अब equivalent weight determine करने के बाद अब मैं आपको बताता हूं equivalent concept. Equivalent concept says that during any reaction, same equivalent react with same equivalent. Number of equivalent participating in any reaction always remains same. Reaction कोई सी भी हो, कैसी भी हो, उसमें किसी भी तरह के coefficient हो, इससे कोई मतलब नहीं. If A and B are reacting to give you C and D, it may be unbalanced reaction, it may be incomplete reaction. ये reaction unbalanced हो सकती है,
और यह रिएक्शन इनकम्प्लीट हो सकती है। ना तो हमें इस रिएक्शन को कंप्लीट बैलेंस करने की जरूरत है, ना ही कंप्लीट करने की जरूरत है। हम सिंपली कह देंगे कि यदि इसका एक इक्विवेलेंट ए का रिएक्ट कर रहा है तो बी का भी एक इक्विवेलेंट ही रिएक्ट करेगा, सी का एक इक्विवेलेंट बनेगा, डी का एक इक्विवेलेंट बनेगा हमेशा। यदि इसके एन इक्विवेलेंट है ए के रिएक्ट कर रहे हैं तो बी के एन इक्विवेलेंट ही रिएक्ट करेंगे, इन दैट केस सी के एन इक्विवेलेंट ही बनेंगे और डी के भी एन इक्विवेलेंट ही बनेंगे। वन इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन वुड इलेक्ट्रोलाइज वन इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस एट एनोड एंड वन इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस एट कैथोड। वन इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन वुड इलेक्ट्रोलाइज वन इक्विवेलेंट एट एनोड, एक इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन यदि सर्किट में पास होते हैं तो एनोड पर एक इक्विवेलेंट सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होएगा। ऑक्सीडेशन ऑफ वन इक्विवेलेंट एट एनोड एंड रिडक्शन ऑफ वन इक्विवेलेंट एट कैथोड, रिडक्शन ऑफ वन इक्विवेलेंट एट कैथोड और वन इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जब भी सर्किट में पास होंगे तो वहां 96500 कूलम्स और 1 फैराडे ऑफ चार्ज। दिस इज इक्विवेलेंट कंसेप्ट। जब भी वन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन यदि सर्किट में फ्लो होते हैं तो 96500 कूलम्स इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, मतलब 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी और इतनी इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो होने से वहां सर्किट में एक इक्विवेलेंट एनोड पर ऑक्सीडाइज होएगा और एक ही इक्विवेलेंट कैथोड पर रिडक्शन होगा। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट। अब हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए इस कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टडी फैराडेस लॉ।